त्रिलोकी में जितने स्थान हैं सब त्रिलोकपति श्री भगवान के हैं। वे अपने आंशिक परमात्म स्वरूप से सर्वत्र विराजमान हैं, पर उन्हें ब्रजभूमि जितनी प्रिय है उतनी और कोई भूमि प्रिय नहीं। वे स्वयं रूप से यहाँ सदा विराजमान हैं, पर उनके अन्य रूपों को भी यदि इसका लोभ हुआ है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। एक बार आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व इसका लोभ जागा श्रीधाम पुरी के श्री जगन्नाथ जी को। वे वृंदावन में मनोहर यमुना पुलिन पर वास करने का लोभ संवरण न कर सके, पर वृंदावन जाए कैसे? सर्व समर्थ होते हुए भी वे अपने श्री विग्रह रूप में अपने भक्तों के जैसा अधीन है वैसा और किसी रूप में नहीं। भक्त ही उन्हें जहाँ चाहे ले जाए और जैसे चाहे रखे। उनके प्रेम सेवा रस का आस्वादन करने के लिए ही तो अर्चा विग्रह रूप में उनका अवतार है। इस रूप में वे जो भी करना चाहते हैं अपने किसी भक्त को निमित्त बनाकर उसके सहयोग से ही कर सकते हैं। वृंदावन तो वे तभी जा सकते थे जब उनका कोई भक्त उन्हें ले जाता और वहाँ उनकी सेवा करने को प्रस्तुत होता। उन्हें ऐसे एक भक्त की खोज थी। वृंदावन में हरदास नाम के रामानंदी महात्मा यमुना तट पर भजन करते थे। बड़े अनुरागी महात्मा थे वे, दिन रात प्रभु के चिंतन में डूबे रहते। उनके विरह में अश्रु विसर्जन किया करते। अंत में प्रभु ने उन्हें दर्शन दिए। वे उनकी रूप माधुरी को देख अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे। उन्हें एक तक निहारते निहारते अचेतन हो गए। तब करुणा नदी ने अपना हस्त कमल उनके मस्तक पर फेर उन्हें चेत कराया। चेतना आते ही उन्होंने अपना सिर उनके चरणों में रख दिया। उन्होंने अपनी अमृतमय वाणी में कहा, बस मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारे निकट रहकर तुम्हारी प्रेममय सेवा का सुख स्वादन करने को ललायित हूँ। तुम जगन्नाथपुरी जाओ। इस वर्ष आषाढ़ में वहाँ जगन्नाथ जी का विग्रह परिवर्तन होगा। पुराना विग्रह तुम ले आना और इसी स्थल पर उसे स्थापित कर उसकी सेवा करना। इतना कह भगवान अंतर्धान हो गए। महात्मा उनके अदर्शन से छटपट करने लगे, पर उनकी आज्ञा का स्मरण कर उन्होंने धैर्य धारण किया। वे अपने शिष्यों को साथ ले कीर्तन करते हुए जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़े। उस समय रेल की सुविधा तो थी नहीं, पैदल ही बिहार जंगलों में से होते हुए नदी नालों और पर्वतों को पार करते हुए जगन्नाथपुरी पहुँचे। जगन्नाथपुरी में महामहोत्सव था। चार दिन बाद 36 वर्ष पीछे द्वाषाढ़ पड़ने पर जगन्नाथ जी का कलेवर बदले जाने का और उनके महाभिषेक का योग था। लाखों यात्री दूर दूर से आए थे। आनंद और उल्लास का समुद्र उमड़ रहा था। हरिदास जी ने जगन्नाथ जी के पुजारियों के पास जाकर अपना अभिप्राय व्यक्त किया। उन्होंने कहा, जगन्नाथ जी का पुराना कलेवर देने का हमें अधिकार नहीं, आप राजा से मिले। वे राजा के पास गए। राजा ने उनका तेजोमय मुखमंडल देख उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और आने का कारण पूछा। उन्होंने भगवान की आज्ञा बताकर उनसे जगन्नाथ जी का पुराना विग्रह दिलवाने का आग्रह किया। राजा ने कहा, महाराज आपको भगवान की आज्ञा हुई है, पर मुझे तो ऐसी कोई आज्ञा नहीं। उनकी प्रत्यक्ष आज्ञा के बगैर मैं सदा से चली आई रीति का पालन करने को विवश हूँ। सदा से जगन्नाथ जी का नया कलेवर होने पर पुराना कलेवर समुद्र में प्रवाहित किया जाता रहा है, अतः इस बार भी वही करना होगा। आपकी प्रार्थना स्वीकार करना संभव नहीं, मुझे क्षमा करें। हरिदास जी ने कहा, यदि श्री विग्रह सागर में प्रवाहित होंगे तो मेरा शरीर भी उनके साथ प्रवाहित होगा। इतना कह वे जा बैठे समुद्र तट पर और अन्न जल त्याग कर प्रशांत मन से भगवान का ध्यान करते हुए प्रतीक्षा करने लगे। उस घड़ी की जब उन्हें जगन्नाथ जी के श्री विग्रह के साथ अपने शरीर को समुद्र में प्रवाहित कर देना था। अर्धरात्रि में जब राजा शयन कर रहे थे, जगन्नाथ जी उनके समक्ष प्रकट होकर मेघ गंभीर स्वर में कहे, वे महात्मा, मेरी आज्ञा से मेरा कलेवर मांगने तुम्हारे पास आए थे, तुमने उनका तिरस्कार किया। जाओ उनसे क्षमा मांगो और उनकी आज्ञा का पालन करो। मेरा एक विग्रह वृंदावन में भी रहा करेगा। राजा भयभीत हो जाग पड़े। उसी समय कर्मचारियों को भेजा महात्मा जी की खोज करने। जब उनका पता चल गया, राजा स्वयं गए
समुद्र तट पर उनके चरणों में गिरकर उनसे क्षमा प्रार्थना की और उनकी आज्ञा पालन करने का वचन दिया। अभिषेक के पश्चात राजा ने एक विशाल रथ में श्री जगन्नाथ जी, श्री बलदाऊ जी और श्री सुभद्रा जी को विराजमान कर धन निधान और सेना के साथ उन्हें वृंदावन के लिए विदा किया। हरिदास जी और उनके शिष्य उनके साथ परमानंद पूर्वक कीर्तन करते हुए कई मास में वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में यमुना तट पर उसी स्थल पर जहां वे भजन करते थे एक सुंदर मंदिर का निर्माण कर श्री विग्रह को स्थापित किया गया। आज भी वह मंदिर और श्री विग्रह उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे हैं। उसके सामने यमुना बह रही है और नीचे पक्का घाट बना है जो जगन्नाथ घाट के नाम से पुकारा जाता है। भक्तगण वृंदावन में उस स्थान पर जगन्नाथ जी के दर्शन कर कृतार्थ होते हैं। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दिन वहाँ दर्शकों की विशेष भीड़ होती है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।